Snatcher. वीर, मुझे भी झूलना है, प्लीज मुझे भी झूला झुलाओ ना। ठीक है, आ जाओ तुम भी, इधर ऊपर आकर खड़े हो जाओ। वाह, मजा आ रहा है वीर, थोड़ा और तेज धक्का लगाओ ना। हाँ, और तेज और तेज वीर, अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। चड्डा अंकल। अरे भाई सुनो, सभी दुकानदार भाइयों को सूचित किया जाता है कि चड्डा साहब कार स्टार्ट करने वाले हैं। अरे ये क्या, मैं तो सचमुच हवा में हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बोल तो रहा हूँ नहीं। आओ भाई, वो आ जाओ, खोल लो भाइयों अपनी अपनी दुकानें, खतरा टल गया है। दादाजी बहुत तेज भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट में कुछ है क्या? वीर बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आज ब्रेकफास्ट तुम लोग ही बना लो। ठीक है दादाजी, आज का ब्रेकफास्ट जिंटू बनाएगा। तो जिंटू, आज के शेफ तुम हो, तो क्या खिला रहे हो नाश्ते में? वाओ, पहली बार एकदम सही जा रहे हो जिंटू। ये सब क्या है, सब कुछ हवा हवाई कैसे हो रहा है? वीर, जरा उधर भी तो नजरें घुमा कर देखो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी जासूसी कर रहा है। मैं तो चला यहाँ से, तुम लोग ही उससे निपटो। ये चुप चुप कर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, पर तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो। नहीं। क्या हुआ, इस तरह आसमान में रॉकेट बने हुए क्यों घूम रहे हो? नहीं, नहीं नहीं नहीं, कौन हो तुम, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, पकड़ो मुझे, पकड़ो। लो पकड़ लिया, क्या कंफ्यूज करते हो, कभी कहते हो पकड़ो, कभी कहते हो छोड़ दो। अरे इमली, तुम कब आई? बस अभी आई, पर ये सब क्या हो रहा है और क्या क्या राज है तुम्हारे? अरे ये तो मेरा दोस्त जिंटू है, जिंटू एक जीनी है और बस थोड़ा टाइम पास कर रहा है। अच्छा है, इंजॉय करो और डोंट वरी, मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी। इसे आसमान में उड़ने का शौक है ना, चलो आज इसका ये शौक पूरा कर देते हैं। जिंटू, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, नीचे उतारो जल्दी। मैं इसकी जासूसी से परेशान हूँ, इसे सबक सिखाना ही होगा। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। देखो देखो, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। अब कभी भी जासूसी नहीं करूँगा, मैं तो अब जासूसी कॉमिक्स भी नहीं पढ़ूंगा। प्लीज प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज। अगड़म बगड़म आलम फालम, या तुम्हारी खो जाए, जो कुछ तुमने अभी है देखा, या तुम्हें ना कुछ आए। पकड़ो उसे, पकड़ो, वो भाग रहा है। अरे पकड़ो उसे, वो मेरा पेट छीन कर भाग रहा है, कोई हेल्प करो प्लीज, उसे पकड़ो। अरे कोई तो
तो पकड़ो उसे। भाग कर जाएगा कहाँ? ओए ये आग कहाँ से लग गई? मर गए हो? ये मत सोचो कि आग लगी कैसे है, ये सोचो कि बुझानी कैसे है। पर छोड़ो और पानी में कूद जाओ जल्दी। ये लीजिए आपका बैग। थैंक यू सो मच। आजकल इन चोरों की वजह से घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है। रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी का बैग छीनकर भाग ही जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद ये चोर किसी का भी बैग नहीं छीन पाएगा। कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे वीर ने कहा है कि वो चोर को ट्रैप कर रहा है। मैं इतनी देर से यहाँ घूम रही हूँ, अभी तक कोई चोर आया क्यों नहीं? चुलबुल, तुम जिंटू के साथ पीछे पीछे आओ। आज फुर्सतगंज से इन चोरों को हमेशा के लिए भगाना है। इसको पकड़ो, मैं इमली को छुड़ाता हूँ। ओके बॉस। ये जेल कहाँ से आ गई? तुम्हें पकड़ने के लिए ऊपर पेड़ से लटका के रखा था हमने। लेकिन यहाँ तो एक भी पेड़ नहीं है। पेड़ कहाँ से आ गया? पेड़ कहाँ से आ गया? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पेड़ का लंच टाइम है, ये लंच में चोर ही खाता है। अब ये चाहेगा तभी तुम जा सकते हो। मम्मी मुझे छोड़ दो प्लीज। चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। जाओ और फिर यहाँ कभी मत आना। थैंक यू सर। मैं हूँ ना। लेकिन तू है कौन और हमारे पीछे क्यों पड़ा है, और इस काम में तेरी मदद कौन करता है? पहले इमली को छोड़ दो, फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरे सवालों का सही सही जवाब दो। ए, आज छोड़ के कहाँ जा रही है? तुम लोग क्या कर रहे हो? इनसे पंगा मत लो और बोलो चोरी करना पाप है।
सब बोलो चोरी करना पाप है और इनसे माफी मांगो। चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो गुरु, हमें यहाँ से जाने दो, हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। हाँ यही तो मैं भी चाहता हूँ। जिंटू इन्हें यहाँ से बहुत दूर भेज दो। ये तो बता दो गुरु कि तुम हो कौन। वैसे तो हम आपके कुछ नहीं लगते, नाम है वी। भेज दिया बॉस। लेकिन तुमने उन्हें भेजा कहाँ है? ये तो नहीं पता, बस आपने कहा कि यहाँ से बहुत दूर भेज दो, तो यहाँ से बहुत दूर भेज दिया। तुम भी ना। बचाओ बचाओ, कोई है?